इस प्रकार से डोरमेट को क्लोज कर देते हैं दोनों तरफ से, और डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है, और किसी प्रकार की दोनों तरफ किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। आज येलो कलर की एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 5 इंच ली गई है। येलो कलर की पट्टी का एक हिस्सा लेते हैं और एक हिस्से पर नोट लगाकर एक लूप तैयार कर लेते हैं। लूप के अंदर से साड़ी का पीस निकालते हुए नोट लगाते हुए एक रस्सी की गुथाई कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार। रस्सी की गुथाई एक लूज रूप में करनी है, टाइट रूप में नहीं करनी है, वरना डोरमेट में झोल पड़ जाता है। सभी पट्टियां साड़ी की ली गई है और सभी पट्टियों की चौड़ाई 5 इंच ली गई है। जितना बड़ा डोरमेट आप बनाना चाहते हैं उसके अनुसार ही एक रस्सी की गुथाई करनी पड़ती है। इस प्रकार से इतनी बड़ी एक रस्सी की उठाई कर लेते हैं नोट लगाकर। लास्ट में जो लूप बनी हुई है उसके अंदर से सेफ्टी पिन निकालकर रस्सी निकालकर उस रस्सी को क्लोज कर देते हैं। इस प्रकार टर्न कर लेते हैं और एक फंदे को छोड़ते हुए नेक्स्ट फंदे में एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। सरू का एक फंदा छोड़ते हुए बीच में एक फंदा छोड़ेंगे और नेक्स्ट फंदे में एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे पूरी लाइन में। पट्टी खत्म हो जाती है तो दूसरी पट्टी लेते हैं और सुई धागे की सहायता से सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करके अटैच कर देते हैं पट्टी को। और दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर देते हैं और सेफ्टी पिन की सहायता से एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं फर्स्ट लाइन में। इस प्रकार से एक लाइन पूरी कर लेते हैं। डोरमेट को पलट देते हैं। यह गैप वाला स्थान है, गैप। तो गैप वाले स्थान पर एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे। बीच में एक फंदे को छोड़ते हैं जिसे गैप बन जाता है बीच में। अब उस दूसरी लाइन में उस गैप वाले स्थान पर एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। यह हमारी दूसरी लाइन शुरू हो रही है। इस प्रकार से हमारा दो राउंड दो लाइन पूरी हो जाती है। डोरमेट को पलट देते हैं
और अब गैप वाले स्थान पर एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे। ये हमारी तीसरी लाइन शुरू हो रही है। पूरे डोरमेट में यही प्रक्रिया से पूरा डोरमेट बनाएंगे। इस प्रकार से डोरमेट बनाते हुए चल रहे हैं। डोरमेट को पलट देते हैं और गैप वाले स्थान पर एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। गैप वाले स्थान पर एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे। इस प्रकार से हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। ये हमारा लास्ट का राउंड चल रहा है। गैप वाले स्थान पर एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। ये लास्ट का फंदा है, इसमें भी एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। अब लास्ट में डोरमेट को क्लोज कर रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग अनुसार इस प्रकार से साइडों में फंदे निकाल रहे हैं। इस प्रकार से साइडों में डोरमेट का आकार भी सुंदर बन जाएगा और मजबूत भी बन जाता है। एक कैंची लेते हैं और पट्टी को हटा देते हैं और एक सुई धागा लेते हैं और पट्टी को जहाँ पर काटा था वहाँ पर सिलाई कर देते हैं, जिससे पट्टी इधर उधर ना हो सके। दूसरी तरफ भी सिलाई इसी प्रकार से क्लोज कर देते हैं। इधर क्लोज कर दिया और इधर भी क्लोज कर दिया। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। इस प्रकार हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है।